नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर इन फिगर मैंने फिगर दी हुई है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक्सटेंड टू पी एंड क्यू। ये ए बी और ए सी है, ए बी सी ट्रायंगल की साइड है, इसको पी तक और इसको क्यू तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है बच्चों, बढ़ाया गया है। और साथ ही एंगल पी बी सी यानी पी बी सी ये वाला एंगल और क्यू सी बी, ये क्यू सी बी आप देख रहे हैं, ये एंगल जो है ये ग्रेटर है और ये एंगल स्मॉलर है, ठीक है। हमें प्रूव करना कि ए सी, ये ए सी जो है ना, ए सी ये ग्रेटर साइड होगी ए बी के, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। आइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हम ये इसको शुरू कर देते हैं। देखिए, अब मैं सीधा आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर आपको जैसे फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ये दोनों एंगल ले लेता हूँ तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, यानी ये ए पी, ए पी जो एक लाइन है और बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन आप मान सकते हैं, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल, ठीक है, पी बी सी, पी बी सी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों, ये लीनियर पेयर इक्वल हैं, ठीक है। सिमिलरली ये हम देख सकते हैं एंगल ए सी बी और प्लस एंगल पी, सॉरी ए सी बी और क्यू सी बी, क्यू सी बी, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अच्छा बच्चों देखिए, ये वन है, ये सेकंड इक्वेशन मैं मान लेता हूँ। अब देखिए, इन दोनों एंगल का सम 180, इन दोनों एंगल का सम 180, तो इसका मतलब दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम वन एंड टू, देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। अच्छा, बट लेकिन जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, पी बी सी, ठीक है, यानी ये दिया हुआ कि एंगल पी बी सी स्मॉलर है एंगल क्यू सी बी सी, ठीक, यानी क्यू सी बी क्या है, ग्रेटर है। अब बच्चों देखिए, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे इन दोनों का सम 180 है, अगर इसमें ये स्मॉलर एंगल है तो इसका मतलब ये ग्रेटर एंगल होगा, और इन दोनों का सम भी 180, इसमें ये ग्रेटर एंगल है तो इसका मतलब ये स्मॉलर एंगल है। आइए मैं देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। ये देखिए, इन दोनों का सम भी 180 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 180 आ रहा है, अगर इसमें ये ग्रेटर एंगल है तो दूसरा क्या होगा, स्मॉलर एंगल होगा, अगर दूसरा इसमें स्मॉलर एंगल है तो इक्वल के साइड से इधर, तो ये एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक वही नीति इसमें अप्लाई हो रही है, अगर ये स्मॉलर एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए बी सी क्या है, ग्रेटर एंगल है, अगर ये क्यू सी भी ग्रेटर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये स्मॉलर एंगल होगा, एंगल ए सी बी, ठीक है, ये मैंने इसमें लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं ए बी सी के अपोजिट साइड, ये देखिए ए बी सी या ग्रेटर एंगल आता है, इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए सी, तो ए सी ग्रेटर होगी किससे, ए सी बी से, ये स्मॉलर एंगल तो ए बी, ए बी सी, ठीक है, तो हम ये हमारा इक्वल आ चुका है, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं। और इसमें से आप देख कर देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, सॉरी आर, आर ग्रेटर, ये हो गया बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं, आप बार बार देखकर इसमें खुद सीख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, ताकि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। और बच्चों, जब आप दूसरे को सिखाते हैं तो उनकी दुआएं, उनकी आशीष आपको मिलती है। आप ये ना सोचें कि हम दूसरे को सिखाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप जब दूसरे को सिखाते हैं तो बल्कि आपकी और प्रैक्टिस होती है, आप उनसे अच्छा कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। दूसरे बच्चों को सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।